हेलो फूडीज, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो आज आप लोगों को मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा। आज के ब्लॉग मैं घर से स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे मायके से, और ये है हमारा पीछे का खेत खलियान। कितनी सी हरियाली, बम्मा में एक्टिव हो जाओ, तो ये देखिए कितनी हरियाली खेत है ना। तो मैं आप लोगों को एक बार बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। आप देख रहे हैं ना, ये वाला हम लोग का घर है, नारियल का पेड़ वाला। और यहाँ से ये मेरी मम्मी ने रास्ता खुद से बनाया है। और यहाँ पर ये खेत के अंदर एक कुआं खोदा है छोटा सा करके, दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, इसी से मतलब बाथरूम जाने वगैरह का पानी ले जाते हैं। और ये है हम लोगों का खेत, ये है मेरी बच्ची। वैसे हम लोगों का खेत नहीं है, ये दूसरों का खेत है, हम लोगों के घर के पीछे गिरता है। और वो मेरी मम्मी गोबर ला रही है ढूंढ ढूंढ के। ये देखिए, ये मेरी मम्मी है जो गोबर ला रही है, और वो मेरी बच्ची जा रही है उनके पास। और उसी साइड हम लोगों का दुकान गिरता है, ये जो मस्जिद है उसके सामने ही है हम लोगों का दुकान। तो अभी मैं थोड़ी देर सुबह सुबह बैठकर धूप सेक रही हूँ। अभी थोड़ा गर्मी लग गई, पता है। अभी मैं घर चली जाऊँगी, अभी एकदम धूप के मारे एकदम आँख वाँख नहीं खुल रहा है। तो ठंड अभी चली गई है, अभी हम चले जाएंगे घर। और उसके बाद क्या करेंगे, शायद शाम तरफ में जाएंगे या फिर थोड़ी देर बाद चले जाएँगे, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। तो जो भी होगा आप लोगों के साथ तो ज़रूर से शेयर करूँगी कुछ। आज मंडे भी है वैसे हम लोगों का, और इन लोगों के घर में तो वैसे ही वेज ही होता है हमेशा, और अलग से वेज का गैस है तो उसमें पका लेंगे, मम्मी नहीं गई तो। और अगर चली गई फिर तो चली गई, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करते हैं आगे। मेरी बड़ी वाली बेटी तो मम्मी के साथ यहाँ पर गोबर ढूँढ रही है, गोबर ढूँढ रही है। और जो मेरी छोटी वाली बेटी है वो उसका काका के उसको दुकान लेके गया है, यहीं से खेत में से लेके गया है उसको आके दुकान, और थोड़ी देर बाद दे के जाएगा। तो मैं थोड़ी देर अभी पूरा फ्री हूँ और अभी चल जाती हूँ घर। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि निक्स क्या कर रही है। ये रही, ये काम कर रही है, आपको डायरेक्ट खेत से लाके इसको दिखाया, कुछ कट छाट नहीं किया, काट छाट नहीं किया। ये देखिए, ये कर रही है काम। कल हम लोगों ने सब यहीं पे खोल के रखा है एकदम फेंक के। देखिए, मैंने चाय पी के यहीं पे रख दिया, अभी क्या काम करूँगी, अभी तो मायके पे हूँ, अभी तो ऐश करेंगे, मौज करेंगे। घर में भी कौन सा काम करती है, सब यही करना पड़ता है। बर्तन धोती है, मैं लोगों को भी बता दूँ, मेरे घर में बस बर्तन ही धोती रहती है। तीन चार रूम है, वो भी ठीक ठाक करती हूँ, खाना बनाती है, थूसती रहती है, इसलिए तो दिन ब दिन मोटी हो रही हूँ ना। तो घर में अगर छोटी बहन जाए ना तो बड़ी बहनों को रेस्ट करना चाहिए, ये एकदम मतलब लिख के ले लो हर कोई। कभी कभार काम भी कर लिया करो जाने मन। हाँ हाँ, जरूर करूंगी। अभी तो चली आई है ना, अभी जब मैं शाम को घर चली जाऊंगी तब तो मुझे ही करना पड़ेगा सारा काम, कौन करेगा बताइए। मम्मी की मामा এইভাবে করে কি খাচ্ছো? এ তো ললিপপ খেতে নেই মাম্মা, আমি এগুলো ভালো না তো। ইস, ললিপপ নেই খাতে মাম্মা, আমি আচ্ছা নেই হ্যাঁ। কি খাতি হো, নেই খানা চাইয়ে, খাবে না প্লিজ, আমাকে দিয়ে দাও, দেবে না? तो अभी ये लोग नहाएंगे, वो भी खेत पर, तो चलिए चलते हैं। मम्मी इन लोगों को नहला के देगी और मैं इनको पोछ के दूंगी, और ये रहा तेल जो कि मैं इनको लगा के दूंगी, और ये रहे ये लोग। तो मैं सबसे पहले ना मोबाइल सेट कर लेती हूँ जहाँ पे हमें सेट करना है मोबाइल। ये क्या है? देखना, आलू की भाजी। यस, आलू की भाजी, दाल, और उसके साथ क्या है? पापड़ है, पापड़ है, और अचार है ना। हाँ। है या फिर अचार, मेरे लिए सारा ही ठूस गई तू। है लेकिन मेरे लिए है, तेरे लिए नहीं है। ठीक है, तेरे पेट से काट के ले लूंगी फिर।
जल रहा है बे, जल्दी कर। उनका दाल वेजिटेबल वाली दाल है, इसने दाल को घोटा नहीं है। घोटने को क्या कहते हैं वो नहीं पता। तो लेके आना, ये लगेगा अभी चौक। अभी दे 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 दे, अभी चौक मार दे वरना तेल। करके खा रही है, पकड़ी गई। चोर चोर चोर, ये खाना पकाते पकाते खाना खा रही है। चोर चोर, आलू की भाजी खा गई। थोड़ा सा बादाम फ्राई करना, बादाम करना प्लीज यार, मैं ला के देती हूँ। ठीक है, ये रहा हम लोगों का बादाम। नहीं करेंगे, उधर करेंगे। नहीं, उधर करने से मैं नहीं खा सकती ना, दूसरे वाले गैस पे इधर करना पड़ेगा। तो हम अभी घर आ चुके हैं और घर आते ही ये मेरा पार्सल आया है। अभी अभी देखे गए हैं ये वाला पार्सल, तो चलिए अभी इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये क्या है, इसे मैं क्या करने वाली हूँ। है तो ये रिबन, मगर मैंने इसको क्यों मंगवाया है, मैं उससे क्या करूँगी, ये सब आप लोगों को मेरे आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा, पता चलता रहेगा। तो फिलहाल के लिए तो मैंने इसे बस मंगवा लिया है, और इसे मैं क्या करूँगी वो आप लोगों को सामने वाले व्लॉग्स में देखने के लिए मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून, आप लोग मेरे साथ मेरे वीडियोज़ पर बने रहिए। तो अभी अंधेरा हो चुका है, हम जा रहे हैं ट्यूशन। तो यहाँ पे मैं नारियल को फ्राई कर रही हूँ। तो उस दिन का जो भी बनाया था वो तो ख़त्म हो चुका है। आज नहीं बना सकती, शायद कोशिश करूँगी। तो काफ़ी रात भी हो चुकी है, 8 बज चुका है अभी। और हम पुली बनाएंगे, इससे बहुत पसंद है घर में सभी को। नारियल को फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद पहले खाना खाएंगे। ये कुकर में है खाना, और इसके अंदर है बस आलू, उबला हुआ आलू है इसके अंदर, और चावल है, और ये रहा बटर, और हम बस इसी से खा लेंगे। हो गया हमारा रात का खाना। तो पैर को घर से खा के आई थी, ये मेरी बहन ने बना के खिलाया था ना, बहुत अच्छा अच्छा। तो इसीलिए अभी सबको बस आलू खाएंगे, उबला हुआ आलू बस। आज कुछ भी बनाने का मतलब दिल नहीं कर रहा है, इसलिए बटर से खा लेंगे। यार अच्छा नहीं लग रहा है, घर में कोई भी नहीं आएगा, इसके पापा नहीं आएंगे, इसके काका भी नहीं आएंगे। हाँ तो अभी कर रहे हम लोग कैमरा सेटिंग के टेस्टिंग। तो देखते हैं, मोबाइल सेटिंग कैमरा मत बोलो, लगेगा हम अमीर है। ये मेरा पास एक ही मोबाइल है, ये भी गिर गिर के इसका कैमरा क्वालिटी इतना खराब हुआ पड़ा है। जल्दी से ना मेरा मतलब 5K सब्सक्राइबर कर दो, मेरा फर्स्ट पेमेंट जब आएगा ना उससे हम मोबाइल ले लेंगे, फिर अच्छा अच्छा वीडियोस बनाएंगे। अभी अगर हबी को बोलूँगी ना एक मोबाइल लेके दे दो ना प्लीज, मतलब ऐसी झाटा पड़ेगी, ऐसी डांट पड़ेगी कि क्या बताऊँ आप लोगों को मैं। हाँ, खर्चा कर रही हो वही क्या कम है बोलेंगे। मतलब मैं ना अपने केक्स वगैरह बेकरी के सामान लाती रहती, मतलब बेकरी तो नहीं है लेकिन घर में बनाने के लिए ही बहुत सारा चीज़ लाती रहती हूँ ना। तो वैसे कुछ बोलते तो नहीं है, लेकिन फिर भी बेचारे का मुंह देख के थोड़ा सा दया आ जाता है मुझे कि बीवी को कुछ नहीं बोलती लेकिन वो खर्चा करती रहती है, करती रहती है। हाँ तो अभी बंद कर दूँ हो गया तेरा, बंद कर दूँ मैं। नहीं, इतना जल्दी क्यों बंद करेगी। वैसे हाँ मैं बात थोड़ा सा ज़्यादा ही करती हूँ, आप लोगों को तो पता है, और ब्लॉग्स बनाना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे केक बनाना भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मतलब केक की वीडियो से ज़्यादा ना मुझे ब्लॉग्स बनाने में इंटरेस्ट आता है, पता नहीं क्यों। अलग अलग लोगों की अलग अलग शौक होते हैं ना, तो मुझे इतना बकबक करने की आदत नहीं है, तो मैं ज़्यादा बकबक नहीं करती है। जितना हो सके उतना बात कर लेती हूँ, क्या करें। अभी ना आप लोग ना इसको ज़्यादा मेरे ब्लॉग्स में देख नहीं पाओगी, ये भी आने वाले ब्लॉग्स में आप लोगों को सरप्राइज मिल जाएगा। क्यों, अभी ये गेस कर लो, शादी होने वाली है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन सस्पेंस है, सरप्राइज मिल जाएगा आप लोगों को आगे वाले ब्लॉग्स में। ठीक है, ये देखिए मेरे मतलब बालों पर क्या लगा हुआ है, टेप, मुझे पता ही नहीं है कितने बालों को इसने तोड़ दिया। नहीं, दिखाई नहीं देगा, दे रहे देखा जो कि किसने लगाया है, पता नहीं कहाँ से लग गया बालों पर। इसके बिस्तर में सो के आई थी ना, इसी के बिस्तर से लग गया होगा। कुछ भी, वैसे बोलूं तो शर्म की बात है, आते टाइम बालों को कंघी भी नहीं किया मैंने, ऐसे ही आ गई। जो भी करोगे तुम लोग ही करोगे लाइफ में। हाँ, बिना बालों को कंघी किए भी हम आ जाते हैं,
और ये नारियल देखो कितना अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी इसके हम पूरी पीठा बनाएंगे, पहले खाना खा लेंगे, बच्चों को सुला देंगे, उसके बाद ये और मैं मिलके ना पीठा बना लेंगे, ठीक है? हेल्प करेगी ना मेरी? हाँ, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। बेचारी, इसको भी बहुत पसंद है पूरी पीठा, वैसे सबसे ज्यादा तिल का लड्डू पसंद है, नहीं खिलाया अभी भी इसको, उस दिन थोड़ा सा बनाया था, सब खा लिया, आज मंगवा नहीं सकी क्योंकि घर में कोई है नहीं, कल मंगवाएंगे, कल खाएंगे, वो तो एकदम 100% श्योर है कल खाएंगे। मैं सुबह सुबह उठ के ना बाजार जाऊंगी, नहा धो के पूजा दे के फिर बाजार जाऊंगी, फिर चिकन लेके आऊंगी, फिर इसको क्या कहते तिल लेके आऊंगी, गुड़ तो है घर में वैसे ही अवेलेबल, और उसके बाद हम चिकन बनाएंगे, उसके बाद हम लड्डू बनाएंगे, उसके बाद कल का ब्लॉग में ना बहुत कुछ है, आप लोग प्लीज मेरा ब्लॉग भी जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब कर देना यार, कितनी बार बोलूं, सब्सक्राइब कर देना, कर देंगे जितना मत कर। और आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वाला वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा ना वो भी आप लोगों को मिल जाए, सबको बताएं वैसे। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।